नमस्कार दोस्तों, एचएल तिर्की जीके क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खेल चिकित्सा विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर एक, व्यायाम के अभाव में मांसपेशियों का कमजोर, छोटी तथा शक्ति में कमी होना क्या कहलाता है? तो इसको कहा जाता है ओट्रोफी। नंबर दो, मांसपेशी संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत का प्रतिपादन 11 मई 1954 को एंड्रू हक्सले एवं डॉक्टर रॉल्फ नीडर गर्के के द्वारा दिया गया। नंबर तीन, कंसेंट्रिक संकुचन के दौरान मांसपेशियों की लंबाई घटती है जबकि एक्सेंट्रिक संकुचन के दौरान मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती है। नंबर पाँच, किस संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई परिवर्तित होती है? तो आइसोटोनिक संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन होता है। नंबर छः, आइसोमेट्रिक व्यायाम तथा आइसोटोनिक व्यायाम दोनों ही शक्ति के विकास की विधियां हैं। नंबर सात, समप्रासारी या आइसोटोनिक संकुचन को गतिक संकुचन भी कहा जाता है। नंबर आठ, दीवार को धक्का मारना एक किसका एक उदाहरण है? तो आइसोमेट्रिक व्यायाम का एक उदाहरण है। नंबर दस, महर्षि पतंजलि को योग का पितामह कहा जाता है और इनका जन्म गोनिया में हुआ था, पर ये काशी के नागकूप पर बस गए और ये पाणिनि के शिष्य थे। नंबर दस, योग के आठ अंग हैं। योग के कितने अंग हैं? आठ अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये है योग के आठ अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, और भी प्रश्नों पर बात करें, तो 11 नंबर पर, यम के अंतर्गत पांच व्रत आते हैं। वो पांचों के नाम है अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अस्ते का अर्थ होता है चोरी ना करना। नंबर 12, योगा कर्माशु कौशलम, ये परिभाषा भगवत गीता में दिया गया है। नंबर 13, शरीर के विभिन्न अंगों के शुद्धिकरण के लिए योग पद्धति में कुछ और क्रियाओं का उपयोग किया जाता है जिन्हें षट क्रियाएं या षट कर्म भी कहते हैं। ये हैं नंबर 1 नेति, नंबर 2 धौत, नंबर 3 वस्ति, नंबर 4 त्राटक, नंबर 5 न्योली, नंबर 6 कपालभात। तो ये हैं षट क्रियाएं जो शरीर के विभिन्न अंगों के शुद्धिकरण के लिए योग पद्धति में प्रयोग किया जाता है। नंबर 14, स्पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो फेफड़ों की क्षमता मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं 15 नंबर पर देखिए, जल थेरेपी को हाइड्रोथेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 16 नंबर, आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आता है? तो ये हट योग के अंतर्गत आता है। नंबर 17, चक्रासन हार्निया बीमारी के लिए होता है उपयुक्त, जबकि भुजंगासन दमा बीमारी के लिए लाभदायक है। नंबर 18, मंडूकासन व वज्रासन करने से मधुमेह या डायबिटीज दूर हो जाता है। नंबर 19, कंट्यूशन को क्लोज्ड चोट भी कहा जाता है। नंबर 20, शरीर की गति करते समय मांसपेशियों का सिकुड़ना एग्नोसिस्ट कहलाता है। तो इस तरीके से खेल चिकित्सा विज्ञान से ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।